परभणी शहरातील सकळा फ्लॅट येथील गट क्रमांक 508 मधील जागा शिकलकरी समाजाच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठी गेल्या 20 वर्षापासून वापरल्या जात आहे। या जागेबाबत 8 दिवसात निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे। याबाबत गुरु नानक दरबार सेवाभावी संस्थेच्या वतीने जिल्हा अधिकारी व महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे। या निवेदनावर राजकुमार सिंह टाक, किशन सिंह टाक, भोला सिंह टाक, विजय सिंह जुन्नी यांच्यासह 30 जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। पते वाहेगुरु, समाज वाहेगुरु, एक सिगलीगर समाज जो सिख कौम में वाहेगुरु ऐसा योगदान, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के शस्त्र तैयार करने वाले वाहेगुरु ये फौज अब एक निशान साहब वाहेगुरु महानगर पालिका का ही वाहेगुरु वो लैंड था, वो निशान साहब को लेके गए, लेकिन कई और भी वाहेगुरु फ्लैग्स है, लेकिन किसी पे हाथ नहीं डाले वाहेगुरु। हमको मंदिर मस्जिद, लेकिन हमको किसी धर्म से कोई ये नहीं है वाहेगुरु, लेकिन वो निशान साहब भी क्यों लेके गए वाहेगुरु, वो एक सवाल वाहेगुरु। चलो लेके भी गए तो इतने बड़े जिले में, परभणी इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 1000 के ऊपर सिख परिवार रहते हैं वाहेगुरु, 1000 के ऊपर, कई सालों से यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के सिंह मराठी भी बोलते हैं वाहेगुरु, एकदम फ्लुएंट मराठी भी बोलते हैं, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं गुरुघर अलॉट हुआ है, जबकि ये महानगर पालिका का ड्यूटी है वाहेगुरु की एक प्लॉट अलॉट करो इनको, ये समाज को एक प्लॉट अलॉट करो, क्योंकि चार धर्म वाहेगुरु, एक मेन पिलर चार धर्म, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई वाहेगुरु, बाकी सब दिख जाएंगे लेकिन एक गुरुद्वारा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इनका आवास कोई नहीं है, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक बेनती है वाहेगुरु, सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी वाहेगुरु, सिख धर्म से वाहेगुरु उनको बहुत प्यार है, मेरे को मालूम है वाहेगुरु, उनसे पर्सनली जाके मिलूंगा वाहेगुरु मैं, क्योंकि यहाँ पर एक गुरुद्वारा होना इसके लिए जरूरी है, पंजाब से जो वाहेगुरु दक्कन की तरफ जो ट्रेन जाएगा हजूर साहब में, उनको लंगर ये तैयार करेंगे, ये वही है वाहेगुरु जो कोविड में लंगर दिन रात एक करके, कोविड में बीमारी से डरे नहीं वाहेगुरु, मुंह पे मास्क नहीं लगाए, सिर्फ बाबे नानक का 20 रुपए का लंगर वाहेगुरु पहुंचा है। कईयों का वाहेगुरु जिस काम में वाहेगुरु सरकार भी नहीं कर पाया वाहेगुरु, वो काम खालसा पंथ ने किया, लेकिन आज वो खालसा पंथ के लिए एक छत क्यों नहीं दे पा रहे, हम भी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे वाहेगुरु, अगर ये हक नहीं मिलता है तो खालसा पंथ वाहेगुरु टोडरमल जैसे वाहेगुरु सेवादार, सोने के सिक्के फतेहगढ़ साहब में बिछाए ना, तो यहाँ पर वाहेगुरु एक एक सेवादार दुनिया के कोनों से वाहेगुरु ये परभणी में गुरुद्वारा तैयार करेगा जहां पर ये सिंह सेवा करेंगे वाहेगुरु।